वंदे गो मातरम जी, गो माता कैसे आप सब लोग आज उपस्थित है एक नई मणि लेकर आप लोग के लिए, जो कि संधिपात स्नायुपात शोथ सूजन के लिए कारागर दवा है। आज घर घर में गैस की समस्या है, घर घर में बात की समस्या है, घर घर में और हर किसी में बस समस्या है कि सभी लोग परेशान है कि डॉक्टर के पास दौड़ते दौड़ते उल्लूपाती होम्योपैथी गधापाती ना जाने क्या क्या पाथी अपना रहे हैं। परंतु आज हम आपको बताएंगे एक ऐसी दवा है जो कि अब घर में बैठे बैठे बहुत कम लागत में बना सकते हैं और इसको इसका कोई यानी साइड इफेक्ट नहीं है। क्योंकि देखिए, पहला तो आपका जो घर में रसोई में जो भी मिलता है उसी का इस्तेमाल करेंगे और खर्चा भी ज़्यादा नहीं आएगा। तो इसे बनाने के लिए क्या क्या चाहिए नोट कर लीजिए और हम इसको डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, आप इसको बना सकते हैं। पहला है सरसों का तेल 1 लीटर। सरसों का तेल ये जो बाहर मिलता है डबल हिरण कच्ची घानी, ये नहीं है, ये शुद्ध सरसों का तेल नहीं है। शुद्ध अगर आपको अच्छी रिजल्ट चाहिए तो आप घर में बनाइए, सरसों को लाकर कहीं भी पीसकर उसी का तेल लाइए। और गोमूत्र, जो देसी गोवंश का गोमूत्र लीजिए 500 ml। अंबा हल्दी लीजिए 50 ग्राम, लहसुन 50 ग्राम, निरगुंडी का पत्ता 50 ग्राम और कपूर, भीमसेनी कपूर और अजवाइन का साथ 10-10 ग्राम लीजिए। अगर आप चाहेंगे तो इसमें आप अमृतधारा का इस्तेमाल भी कर सकते हैं 30 ml का। परंतु अगर किसी के पास अमृतधारा नहीं है, पुदीना का साथ भी नहीं है, तो ये इसमें कपूर और अजवाइन का साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये बता रहे हैं आपको बनाने का विधि। तो बनाने के लिए आप एक लोहे का कढ़ाई में सरसों का तेल गोमूत्र को पहले मंद आंच में पकाइए। थोड़ी पक जाने के बाद आप ये अंबा हल्दी लहसुन और निरगुंडी का पत्ता थोड़ा सा पीस दीजिए, कूट दीजिए और इसको उसी में डालिए। जब अच्छा से ये उबल जाएगा, आप एक रुई में रुई डुबाकर देखिए, अगर रुई जलाएंगे और देखेंगे अगर चिचिर चिचिर नहीं आ रहा है, जली अंश नहीं रह रहा है, तो समझ लीजिए कि आपका तेल पक गया है, तेल बन गया है। ये सारा जल के भी अगर राख हो जाएगा ना, ये जो सारे जो डाले हैं, तभी भी आपको समझ में आ जाएगा कि आपका तेल बन चुका है। तभी नीचे उतार दीजिए और आप कपूर और अजवाइन का साथ उसमें डालिए, डालकर आप रखिए छान के। इसको आप इस्तेमाल करिए और कैसा रिजल्ट है, कैसा परिणाम आया है, हमें कमेंट मज में लिख के दीजिए। मैंने ये सारी डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी। ये हमने कुछ नया नहीं बता रहे हैं, ये हमारा पुरातन विद्या है जो राजीव है दीक्षित का, जो गोमाया गोमूत्र का चिकित्सा किताब में ये लिखा है और हमने इसका इस्तेमाल किया है, जो हमको गजब का परिणाम भी मिला है, बहुत अच्छा परिणाम मिला है, आप लोगों के साथ हम शेयर कर रहे हैं। इसमें अगर कोई शंका है और आप लोग को क्या रिजल्ट मिला है, कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर कमेंट जरूर दीजिए। वंदे गो मातरम।